वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ हिंदी पाठ लेकर। आज 13वां पाठ है दीदी की डायरी। डायरी अधिकतर लोग उपयोग में लाते हैं, डायरी लिखते हैं। डायरी क्या होता है? दिन भर के कामों को एक जगह सहेज कर लिखना, यानी दिन भर मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कहाँ गई, क्या की, या क्या परिस्थिति बना दिन भर का, वो सब बातें एक जगह एकत्रित लिखते हैं। रात में इसको लिखा जाता है। बहुत लोग डायरी के शौकीन होते हैं जो अपना डायरी दैनिक लिखते हैं, प्रतिदिन लिखते हैं। वैसे तो ये व्यक्तिगत होता है, परंतु किसी किसी परिस्थिति में इसको सार्वजनिक भी किया जाता है। तो यहाँ जिस डायरी की बात है, दीदी की डायरी, इसमें एक छोटी चुलबुली बच्ची, सुंदर बच्ची का कहानी है जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। वो स्वभाव की अच्छी है, हंसमुख है, देखने में छोटी है, परंतु उसका व्यवहार जो है वो सयानों जैसा है, यानी समझदार है। पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने का शौक है। वो कई तरह की किताबें पढ़ती है, सिर्फ विषय का ही किताबें नहीं, अलग अलग ज्ञान की बातें जहाँ मिले वो पढ़ती है। और इस तरह से वो कहीं भी किसी समय भी अपने समय को बर्बाद नहीं करती, पढ़ने में लगाती है। चाहे वो कॉमिक्स हो, चाहे वो पत्रिका हो, चाहे विषय की बातें हों, हर जगह से नॉलेज पाती है। और इस तरह से उसके घर में कोई फंक्शन भी होते हैं, जैसे उसका जन्मदिन या कोई और अवसर, तो उसे पुस्तक ही गिफ्ट किया जाता है, उपहार में उसको किताब ही मिलता है, क्योंकि किताब से वो अति प्रसन्न होती है। और इस तरह से एकत्रित करके वो अपने लिए एक लाइब्रेरी बना ली है घर के अंदर ही। लाइब्रेरी क्या हुआ? जहाँ सारी किताबों का संग्रह मिले एकत्रित एक जगह करके। तो इस तरह से लाइब्रेरी बना ली। एक दिन उसको बापू की डायरी पढ़ने का अवसर मिला। सत्य के प्रयोग, उस डायरी में जो एक पृष्ठ था उसका नाम था सत्य के प्रयोग। ये देखने के बाद उसमें डायरी लिखने की एक प्रेरणा जगी कि मैं भी डायरी लिखूं। और इस तरह से वो प्रयास में लग गई कि मेरे पास एक डायरी हो और मैं उसमें लिखूं। तो डायरी तो आ गया। माँ, उसकी माँ भी बिरसु थी, ज्ञानी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो माँ व्यवस्था कर दी। अब वो डायरी स्टार्ट कैसे करेगी, शुरुआत कैसे करेगी, इस प्रयास में लग गई। उसकी दीदी थी बड़ी, जो डायरी लिखती थी, उसके पास गई, मिन्नतें की। उन्होंने बता दी, ये बड़ी सिंपल बात है, आज तुमसे दो जो दिन भर हुआ है तुम उस डायरी में अंकित करोगी शाम में। परंतु उसने नहीं माना। उसने कहा कि कुछ देर के लिए तुम अपना डायरी दो और मैं देखूंगी उसमें तुम किस तरह से लिखी हो, मैं उसी तरह से लिखूंगी। और अंत में डायरी उसे मिल गया और वो पढ़ने लगी। उसको कई विषय मिले वहाँ पर उस डायरी में। उसमें क्या विषय था? तो एक विषय था कि कारीगर किस तरह से एक पत्थर को तराश कर मनचाहा सुंदर सुंदर फूल बनाता है। ये कला एक 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 तरह से दिखा। दूसरे जगह उसको दिखा कि डायरी लिखना कितना महत्वपूर्ण है, डायरी लिखना कितना अच्छा है कि छोटी छोटी बातों को उसमें समाहित किया गया है। जैसे घर में खाना बना और नमक सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जी के लिए, नमक छूट गया तो खाना क्या होगा, ये भी डायरी में मेंशन था। परंतु घर के लोग कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, भाई आते हैं, खाते हैं, खुद खाती है, नमक मिलाती है, ना मिलाने से पहले भी स्वादिष्ट कहती है। तो ये दिखाया गया कि मेहनत को सार्थक करना सीखिए, सार्थक समझना सीखिए, ये नहीं
मेहनत हुआ है और यदि उसमें कुछ कमी रहा तो कमी को ही सराहा जाए, उसके परिश्रम को न देखा जाए। इसीलिए कोई त्रुटि हुआ है उस पर नज़रअंदाज कीजिए, उसको ध्यान नहीं दीजिए और जो अच्छाई है उसको पकड़िए। उसके बाद बताया कि पिकनिक में कितना आनंद मिलता है बच्चों को, सब दीदी के डायरी से मिल रहा है। तो पिकनिक में कितनी खुशी मिलती है, कितना वातावरण सुंदर मिलता है, उसका पक्षियों की चहचहाट, क्योंकि हम लोग जाते हैं पिकनिक चुने हुए स्थानों पर, उसका रमणीय जगह कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर होता है, तो ये मिला। उसके बाद मिलता है कि छुट्टी का दिन कितना आनंददायक होता है। छुट्टी में लोग किस तरह से अपने मम्मी के हाथ का चटपटा खाना खाते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, अपने मनचाहा कामों को पूरा करते हैं। उसके बाद मिला आपको, कभी कभी लोग उदास भी होते हैं, कुछ वाकयाएँ ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे उदास होना स्वाभाविक हो जाता है। उसमें एक विषय दिखाया गया है डायरी के माध्यम से कि आज भी बहुत से परिवारों में, समाजों में लड़कियों को बढ़ाया या बढ़ाने का के लिए हेल्प नहीं किया जाता, मदद नहीं किया जाता। उसे छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती है, घर की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं और उसके पढ़ाई को दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे वो बच्चे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों न हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों नहीं, कितनी समझदार क्यों नहीं हो, उसके बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता और शादी की हथकड़ियाँ उसके पैरों में बांध दी जाती हैं। तो ये भी दिखाया गया। उसके बाद दिखाया गया कि हम जो ये रूढ़वादी विचार के हैं, कभी कभी आईना ओढ़ लेते हैं, दर्पण ओढ़ लेते हैं या चादर ओढ़ लेते हैं, क्या कि छींकोगे तो अपशगुन होगा, ये होगा तो इससे अपशगुन होगा, ये सब भ्रम है, इसको तोड़ें, ये गलत है। इसमें दिखाती है कि एक रिक्शा वाला छींकता है, घर में उसको मना किया जाता है कि मत जाओ, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है। तो इससे ये भी होता है कि अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, विश्वास के साथ काम कीजिए। यदि आपका कर्म अच्छा होगा, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आप सफल होंगे। इसलिए अंधविश्वासी नहीं, विश्वास रखिए, अंधविश्वासी मत बनिए। तो इस तरह से अनेक तरह की बातें इस डायरी के माध्यम से बताया गया, जो हम लोग भी जान पाए कि अपना कर्म बड़ा होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए अपना लगन जरूरी है। यदि आप मेहनत से, ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो कोई भविष्य आपके आरे नहीं आएगा या कोई कथनी आपके आरे नहीं आएगा, आप अपने कर्म पर अग्रसर रहेंगे तो जीत आपकी हासिल होगी, विजय आप हमेशा होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले।